अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे सामने ST105 जो कि स्केलट्रॉनिक्स का इंडिकेटर है और ये 2023 का मॉडल है। जो इससे पहले जो मॉडल आए थे उसमें जो थी कैलिब्रेशन बिल्कुल चेंज थी। इसमें जो है मैं आप लोगों को इसकी कैपेसिटी भी चेंज करके बताऊंगा, इसके डेसिमल पॉइंट भी चेंज करके बताऊंगा, इसकी डिवीजन भी चेंज करके बताऊंगा और इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा ये सारी डिटेल। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जो है ये 24x24 का है। टॉप प्लेट जो है SS की है, बैक रेल SS की है, बैक पोल जो है वो SS का है और इसमें जो है जैमिक का हमने 500 kg वाला लोड सेल लगाया हुआ है। तो जो अब जो है मैं इसकी आपको कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा कि इसमें आप डिवीजन, डेसिमल पॉइंट और कैपेसिटी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका आपने सबसे पहले खोल लेना है स्केल को। स्केल को खोलने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं इसका ये छोटा बोर्ड है, उसमें जो बोर्ड था वो चेंज था, इसमें जो है ये छोटा बोर्ड है और इसमें जो है ये जो वाइट वाला जो कनेक्टर है, वाइट वाले कनेक्टर के साथ जो ये यानी जम्पर लगा हुआ है इसको आपने यहाँ से शार्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं वाइट वाले जम्पर के साथ जो कनेक्टर है उसको हमने शार्ट कर देना है। और अक्सर जो है लोग क्या करते हैं कि जब ये खोलते हैं तो ये अंदर की कोई पिन यहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से उनको बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे खास तौर पे ये वाली पिन निकल जाती है या कोई भी पिन, या पिनों की वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पिन कहाँ कहाँ लगेंगी। थोड़ा सा यहाँ से ला के दिखा दो, ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी पिनें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, तो वो भी आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। तो जब आपने ये शार्ट करना है, शार्ट करने के बाद आपने सिंपल सबसे पहले कैपेसिटी हमने चेंज करनी है। कैपेसिटी चेंज करने के लिए टोटल और जीरो का बटन इसको एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करेंगे। जी स्टार्ट करेंगे, जब स्केल ऑन हो जाएगा हमने और हमारे पास यहाँ पे फुल कैपेसिटी लिखी हुई आ जाएगी। तो हमने टोटल और जीरो को जब हम प्रेस करेंगे तो आप ये कैलिब्रेशन ये क्या कहते हैं कैपेसिटी के मोड में चला गया है। चेंज किससे करना है, AWCU की मदद से हमने कैपेसिटी को चेंज करना है और इसके पॉइंट भी यहाँ से ही यहाँ पे ही चेंज होंगे, ठीक है ना। ये अभी 3000 पे और एक पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे 30 kg पे चलाना है तो 3 decimal आ जाएंगे। ये 75 kg, 100 kg के ऊपर 2 decimal आ रहे हैं, 120 के ऊपर 150 और 300 kg इस टाइम हमने कैपेसिटी रखनी है। 300 के बाद हमने 2 decimal पॉइंट रखने हैं। उसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं AC का बटन दबाएंगे तो ये कैपेसिटी इसकी सेव हो जाएगी। अब हमने इसकी कैलिब्रेशन करनी है। कैलिब्रेशन के लिए भी जंपर को हमने शार्ट करके रखना है और टोटल और 7 का बटन दबाएंगे तो ये कैलिब्रेशन मोड में चला जाएगा। टोटल और 7 की मदद से कैलिब्रेशन मोड में जाएगा। यहाँ पर हमने टोटल इसका वेट लिख देना है। यहाँ पर हमने 20.00 लिख दिया है। अब डेड वेट को हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देंगे। 20 kg का डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर हम रख देंगे। आप ये देख सकते हैं 20 kg का डेड वेट है, ये हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया। और यहाँ पर हमने क्या कहते हैं टोटल, पहले हम AC का बटन दबाएंगे और टोटल और 9 के बटन से हमने इसको सेव कर देना है। टोटल और 9 के बटन से जो है ये सेव होगा और कैलिब्रेशन में जाने के लिए टोटल और 7 के बटन से हमने ये लिखना है। और अगर पॉइंट हमने क्या कहते हैं इसकी डिवीज़न, अभी ये आप ये देख सकते हैं 20 के ऊपर चल रहा है। अगर हमने डिवीज़न चेंज करनी है तो AC के बटन को दबा के हमने रखना है। ये क्या कहते हैं इसकी आ गई, यहाँ पे हमने LED की ऑप्शन चेंज करनी है। ये मुख्तलिफ 4 के ऊपर इसके मोड की सेटिंग है, 0 की सेटिंग है, ये क्या कहते हैं 6 के ऊपर रोड अंडर है, ये डॉट इसके आगे, 8 के ऊपर जो है इसकी ये डिवीज़न है। अगर हमने चेंज करनी है तो टीयर की मदद से हमने चेंज करनी है। ये अगर हमने अभी 2 decimal पे चल रहे हैं तो अगर हम ये 10 करेंगे तो 100 g के ऊपर आ जाएगा, अगर ये 5 करेंगे तो 50 g के ऊपर आ जाएगा, ये 2 करेंगे तो 20 g के ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम इसकी 20 g कर देते हैं और AC का बटन दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 20 g के ऊपर ये चल रहा है, 2, 4 इस तरीके से चल रहा है। तो ये इसकी कंप्लीट सेटिंग हो गई है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का भी स्केल आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग अच्छी कीमत में हमारे से ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।